हमने मटन ले लिया और ये प्याज चॉप कर लिया और ये लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया और ये टमाटर का पेस्ट और ये दही है और ये वाटर है और ये मलाई है और ये चॉप किए हुए ग्रीन चिली और अदरक और ये गरम मसाला लिया थोड़ा सा, ये लाल मिर्च है, ये चाट मसाला है, ये नमक है, ये काली मिर्च है और ये हल्दी है और ये सूखी धनिया और ये गरम मसाला और ये जीरा पाउडर है। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। एक बड़ा चम्मच हमने घी का डाल दिया है। अब इसमें जब ये गरम हो जाएंगे फिर हम इसमें ये प्याज ऐड करेंगे। प्याज का चॉप, वन प्याज। ये अब हम प्याज ऐड कर रहे हैं। खुद बना रहा है आज मेरा बेटा, खुद बना रहा है आज, कहता है मैं खुद बनाऊंगा, आप ऐसे ही लाना है। क्या मैं बना रहा हूँ? अब जैसे ही ब्राउन होंगे ये, इसमें फिर हम मटन ऐड कर देंगे। इसमें मटन ऐड कर रहे हैं। अब भून लेंगे। अब हम इसको भून लेंगे। अब क्या कर रहे हैं? गरम मसाला अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अब हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे। मम्मा तुम्हारा आज खाना बना रहा है कुछ, वो भी मटन के हलाना है, ऐसे ऐसे करके हलाओ फिर जबरदस्त बनेगा। आज तो मम्मा तुम्हारा सालन बना रहा है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रहे हैं। एक चम्मच अदरक का, एक चम्मच लहसुन का। इसमें मिसाले ऐड कर रहे हैं, तमाम मिसाले 1 टेबल स्पून है। ये मिसाले ऐड हो चुके हैं। मोहम्मद उमर देखो कितना मजेदार है। मोहम्मद उमर बना बनाओ यार, आप खुद बनाओ यार, इतनी कोई बात होगी? हिलाओ चम्मच को सही तरीके से हिलाते हैं। ऐसे किया, ऐसे पकड़ के। अब हम इसे एक गिलास पानी डाल के स्टीम पे खड़ा करेंगे। एक अब हम कुकर को बंद कर रहे हैं। अब हम इसको स्टीम दे रहे हैं। हम इसे ओपन कर रहे हैं। स्टीम आने के बाद हम इसे अब खोल रहे हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा गोश्त गला है क्या नहीं। अब हमारा गोश्त गल चुका है। अब हम टमाटर का पेस्ट ऐड कर रहे हैं। अब हमने इसे भून लिया है। अब हम इसमें मलाई ऐड कर रहे हैं। ये मलाई ऐड हो चुकी है इसमें, ये आप देख सकते हैं। अब ये तैयार है गाइस। अब हम इसे गार्निश करेंगे। अब हम इसे गार्निश करने के लिए, अब ये हो गया तैयार। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपने हमें बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप भी इस रेसिपी को आजमाएं।